दोस्तों, भारत में जब भी पत्रकारिता की बात आती है तो हमारे सामने सबसे पहले रवीश कुमार का चेहरा आता है। लोग इनकी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विचारों को काफ़ी पसंद करते हैं। इनकी पत्रकारिता में गांव, किसान और शिक्षा के मुद्दों पर काफ़ी जोर दिया जाता है। यह काफ़ी सादगी भरे अंदाज में गंभीर बातें कह जाते हैं, जो इन्हें अन्य पत्रकारों से काफ़ी अलग करता है। यूं तो ये NDTV पे अपने प्राइम टाइम के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, पर इन दिनों इनके NDTV से रेजिग्नेशन काफ़ी सुर्खियों पर है। लेकिन आज हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बातें जानेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव से दिल्ली तक का सफ़र इन्होंने तय किया। इनका जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में 5 दिसंबर 1974 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना के लोयला स्कूल से हुई, फिर दिल्ली में दीन बंधु कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता में इन्होंने अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया। कॉलेज के दिनों में इनकी मित्रता नैना दास गुप्ता से हुआ, जिनसे उन्होंने शादी की। इनकी धर्मपत्नी लेडी श्रीराम कॉलेज में हिस्ट्री की HOD है। रवीश कुमार ने 3 काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी है, जैसे इश्क में शहर होना, देखते रहिए और रवीश पंती। इनको अपने करियर में कई अवार्ड्स भी मिले, जिसमें 2013 में रामनाथ गोयंका अवार्ड, 2014 में गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड, 2019 में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रोमन मैग्सेसे अवार्ड शामिल है। आज यह पत्रकारिता जगत में पूरी दुनिया में एक मिसाल है। हाल ही में इन्होंने NDTV से रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद इन्होंने अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल खोला, जिसमें महज चंद दिनों में 20 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। यह इनकी पत्रकारिता की ही पॉपुलैरिटी है जो लोगों को इनकी ओर आकर्षित करती है।